अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बरियाल तबक। आज मैं आपके साथ में बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और आजकल ठंडी के हिसाब से ये रेसिपी बहुत अच्छी है, इसको ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने आज बनाया है स्पाइसी चिकन गार्लिक और बहुत ही अच्छी, बहुत ही एकदम इसका टेस्ट इतना अच्छा है, आपको ऐसा लगेगा कि आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। इसको, इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग बनाइए। और ये देखिए हम सर्व कर रहे हैं गर्मा गर्म एकदम, इसको स्टार्टर के तौर पे इसको काफ़ी अच्छी लगती है खाने के लिए। दिखने में कैसी लग रही है आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। चलिए हम लोग मिल के बनाते हैं। ये कैसी बनी है अभी, इसको कैसे बनाते हैं मिल के बनाएंगे हम लोग। मैंने 400 ग्राम चिकन ले लिया और इसको काफ़ी अच्छे से धो के इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया था। इसके अंदर मैं डाल दूंगी सबसे पहले नमक, फिर इसके जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, फिर इसमें जाएगी रेड चिल्ली पाउडर, आप 1 टीस्पून डाल दीजिए क्योंकि ये गार्लिक स्पाइसी गार्लिक चिकन है तो इसके लिए 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। इसमें इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून इतना, फिर इसमें डालेंगे ये जाएगा इसमें 1 नींबू का रस, 1 बीज जो गिर गए हैं उनको निकाल लूंगी मैं। इसके बीज निकाल दिया, अब इसे अच्छे से मिला के रख देंगे। आप इसमें बोनलेस भी बना सकते हैं, विद बोन भी बना सकते हैं। अब मैंने दोनों मिक्स किया हुआ है, बोनलेस ज़्यादा है, बोन कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सी, बोन थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा है इसमें। और इसको मिला के एक मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी, फिर इसे बना लूँगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी रेसिपी है, एकदम आराम से बनती है। पैन ले लेंगे, इसके अंदर मैं थोड़ा ऑयल डालूंगी, रिफाइन ऑयल डालूंगी, फिर इसके अंदर ये सारी चिकन मैं इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ा सा चिकन को मैं फ्राई करूंगी इस तरीके से, गैस को मैंने फास्ट रखा है। फिर इसके अंदर चिकन को टर्न करेंगे और बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा मसाले या कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है। और स्पाइसी सी बनाइए एकदम गार्लिक चिकन, बहुत अच्छी बनेगी स्पाइसी चिल्ली गार्लिक चिकन। और ये देखिए इसको मैं पलट दूंगी ऐसा, अब ये चिकन के अंदर का जो भी पानी है ना ये इसके अंदर ही सूख जाएगा। पकने देने से देखिए चिकन का सारा पानी जितना था वो सब जल गया और मैंने इसको पलट दिया वापस से इसको। देखिए सारा पानी जल गया इसका। एक पैन में मेरा हल्का सा बिल्कुल ऑयल लिया 1 टीस्पून के जितना, फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये गार्लिक अच्छा सा को चॉप किया हुआ 1/2 कप, फिर इसको मैं थोड़ा चलाऊंगी भूनूंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। ये गार्लिक को थोड़ा ऐसे ही चलाते रहेंगे, ये देखिए हल्का हल्का सा ये गोल्डन कलर का हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसको काला नहीं करना है।
और फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप। फिर इसमें ऐड करूंगी मैं नमक टेस्ट के हिसाब से। फिर इसमें ऐड करूंगी मैं रेड चिली पाउडर। फिर इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर। फिर इसमें ऐड करूंगी मैं ये 1 टेबल स्पून सोया सॉस। सबको मिक्स कर दूंगी। फिर इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा पानी। अब ये सॉस अच्छे से बॉईल होने लगा है, ये देखिए। फिर ये चिकन जितनी भी थी ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। और इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, जैसे इसकी सॉस की भी क्वांटिटी कम हो जाए और चिकन के अंदर भी अच्छे से इसकी ग्रेवी का टेस्ट चला जाए जो है सॉस का। चिकन की ग्रेवी तैयार हो गई है और ये थिक भी हो गई है। अगर इसमें आप और ज्यादा उसको ड्राई करना चाहते हैं तो कर ले, और फिर इसके बाद में फिर इसमें अगर आपको नमक मिर्ची या स्वीटनेस या स्पाइसी कम लगे तो आप खुद अपनी मर्जी से अपने स्वाद के हिसाब से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं डालूंगी स्प्रिंग ओनियन और गैस को दूंगी बंद कर। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, अगली रेसिपी के साथ।